हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट्थ की जो बुक है इट्स सो हैपन्ड, उसका सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट टू पार्ट हम कर चुके हैं हमारी फर्स्ट टू वीडियो में, और अब थर्ड पार्ट देखिए। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर अंटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। जया और वेलू जो हैं आधा घंटा सड़कों पर चलते रहे जब तक कि वो गंदे पानी के एक तालाब पर बने पुल पर नहीं आ गए। टिकल मतलब पतली सी धारा, पानी का प्रभाव जो होता है पतली सी धारा, और डर्टी मतलब गंदे गंदे पानी की जो का जो एक छोटा सा तालाब होता है उस पर बने पुल पर नहीं आ गए। तब तक वो आधा घंटा सड़कों पर चलते रहे। अनटिल दे केम टू ए सॉरी वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ सी दैट्स बकिंगम कैनाल सैड जया। अब हम ट्रिप्लिकेन में है और देखो ये बंकिमघम नहर है, जया ने कहा। अब इस कैनाल का नाम याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कौन सी नहर पढ़ते हो, बकिंगम और कहाँ थे ट्रिप्लिकेन, जहाँ पर कौन सी कैनाल थी नहर थी बकिंगम। वेलू ने घूर कर देखा। दिस वॉज ए कैनाल, ये एक नहर थी। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। पडल्स होता है पोखर, जहाँ पानी होता है, छोटे से तालाब को भी बोल देते हैं, गंदे पानी के गड्ढा जो होता है पोखर उसको बोल देते हैं। तो पानी के कुछ पोखरों के पास कुछ अजीब सी झोपड़ियों की एक कतार थी, रो थी, लाइन थी, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हट्स मतलब झोपड़ियाँ। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल शॉर्ट्स ऑफ थिंग, कहता वह सभी प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी, जिसमें मेटल शीट्स थी, किसी भी मेटल किसी भी धातु की बनी हुई चादरें, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, इन सब से बनी हुई थी वो। दे स्टूड क्रूकडली एंड लुकड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। कहते हैं वे टेढ़ी मेढ़ी, क्रूकडली मतलब टेढ़ी मेढ़ी, वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थी और ऐसे लग रही थी जैसे किसी भी पल ये गिर सकती थी, किसी भी टाइम ये गिर सकती थी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या तुम यहीं रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये जो घर हैं वो काफ़ी अजीब हैं, विचित्र हैं, सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, कहते हैं जो हमारे गांव के घर हैं वो किसके बने होते हैं, मड मिट्टी एंड पाम लीव्स, पाम होता है खजूर, खजूर के पत्तों से बने होते हैं हमारे गांव के घर। तो जया वेंट राउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। अब जया जो है घूमकर एक झोपड़ी के पास गई और अपना जो उसका बोरा था, सैक था, उस झोपड़ी के बाहर वो खाली कर देती है। डम्प्ड मतलब खाली करना, उडेल देना, उडेल देती है और फिर उनमें से एक खाली बोरी वो उठा लेती है। लेट्स गो, आओ चलें। शी टर्न टू वेलू, वेलू की तरफ मुड़ती है एंड गेव ही में शोव, और उसे शोव होता है धक्का देना, और उसे धक्का देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हेयर वियर दीज एंड कम विद मी। अब वो वेलू से कहती है लो ये कम से कम अब मेरी तो मदद करो, लो ये पहन लो और मेरे साथ आओ।
शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस एंड पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इन टू हिज हैंड्स। उसने उसकी तरफ बिना लेशिज के, बिना जो फीते होते हैं जूतों के, जूतों के अंदर फीते नहीं थे, ऐसा एक पुराना जूतों का जोड़ा उसकी तरफ फेंका और उसके हाथ में एक सैक, उसके हाथ में एक बोरी दे दी और एक छड़ी भी थमा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू जो है वो काफी कन्फ्यूज था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि वो इन चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाहती थी, वेलू से क्या चाहती थी वो क्या काम करे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट ऑफ आउट टू ग्रेज। कहता उसने तो केवल जमींदार के खेत में काम किया था, और वीडिंग होता है खरपतवार, खरपतवार जो होते हैं उनको हटाने का, या फिर गायों को चराने का, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, घास फूस होती है, उनको बोलते हैं वीडिंग, या हिंदी में बोल देते हैं खरपतवार, जो अपने आप ही पेड़ सॉरी पौधे वगैरह उगाते हैं, पत्तियां वगैरह, उनको बोलते हैं वीड्स, खरपतवार, जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वेलू ने जो काम किया हुआ था वो जमींदार के खेत में वीडिंग को हटाने का, या फिर जो गायें थी उनको चराने का उसने काम किया था, ग्रेज होता है चराना। आर दे देयर एनी फार्मर फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। अब जो ऐसा पूछता है कि क्या शहर में खेत भी हैं। जया लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स। अब जया जो है वो हंसी और उसने अपनी छड़ी जो है वो जमीन पर मारी। फार्म्स, खेत, शहर में किसान नहीं होते, वी आर रैग पिकर्स, हम तो कूड़ा बीनने वाले हैं, यानी कि कबाड़ जो है उसको इकट्ठा करने वाले हैं। रैग पिकर्स, कबाड़ इकट्ठा करने वाले। सी माई सैक, मेरी बोरी देखो, मेरा बोरा देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मेरे मैंने जो है कई चीज़ें इसमें भरी हुई हैं, कलेक्ट की हुई हैं, इकट्ठी की हुई हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, इकट्ठी की गई हैं कहाँ से, वेलू ने पूछा। फ्रॉम रबिश बीन्स, वेयर एल्स, कूड़ेदानों से या कहीं से भी जहाँ से उसे मिल जाए। यू कलेक्ट रविश, तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। ए ब्लॉक हैड, ब्लॉक हैड बोल देते हैं मूर्ख को, इसका दिमाग बंद हो, मूर्ख को बोल देते हैं, अरे मूर्ख, इट इज़ नॉट रविश, ये कबाड़ नहीं है, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल कागज, प्लास्टिक या कांच जैसी चीजें। वी शैल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसे जग्गू के जाम बाजार में बेच देते हैं, जग्गू को, जिसको बेच देते हैं जग्गू को जाम बाजार में। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू काफी पजल था, परेशान था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रविश, उसने लोगों को कूड़ा फेंकते हुए, के लोग कूड़ा फेंकते हैं इस बारे में तो सुना था, बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रविश, लेकिन कोई कूड़ा क्यों खरीदना चाहेगा, ऐसा उसने कभी नहीं सुना था। हुज जाम बाजार जग्गू, जाम बाजार जग्गू कौन है, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सब क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम सोचते हो कि वो इसे केवल शो करने के लिए, दिखाने के लिए खरीदता है, प्रदर्शन करने के लिए। ही सेल इट टू ए फैक्ट्री, ये उसे एक फैक्ट्री में, कारखाने में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, आ जाओ, और तुम मेरे पास तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं है।
वेलू डिड नॉट मूव, वेलू नहीं हिला, वेलू से पीछे नहीं चलता. ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बीन्स. तो वो एक घर से भागकर एक नए जगह पर कूड़े के ढेरों को बीनने के लिए यहाँ नहीं आया था, यानी कि वो कूड़ा इकट्ठा या कबाड़ इकट्ठा करने के काम से यहाँ नहीं आया था. जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक. अब जया क्या करती है, जया अपनी छड़ी से उसे पोक करती है, उसे धक्का दे देती है. लुक हेयर, यहाँ देखो. शी शाउटेड, वो चिल्लाई. इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग. कहता यदि वहाँ कोई हमारे से पहले पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड देयर, तुम वहाँ मत खड़े रहो. पॉजिंग, पोज बनाकर, मतलब किसी एक्टर किसी हीरो की तरह पोज बनाकर मत वहाँ खड़े रहो. बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ. हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा. वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड शाइड, अपना जो सर है उसने स्क्रैच मतलब खुजलाना, और शाइड मतलब होता है आहें भरना. अपना सर खुजलाता है और आहें भरता है. आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब. उसने सोचा कि जब तक मुझे कोई बेटर जॉब, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता है, तब तक मैं ये काम करूँगा. ये जो चैप्टर था वो वेलू और जया दो मेन करेक्टर हैं इसमें. उन पर बताया कि बच्चों को अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी फैमिली की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है बचपन से ही काम करना पड़ता है. परिवार की जो मजबूरियां होती हैं, बच्चों की जो अपनी इच्छाएं होती हैं, कई बार उसकी वजह से भी बच्चों को बचपन में ही नौकरी या कमाई करनी पड़ती है. तो बेलू ने किस तरह से नौकरी की, या जया की जो कंडीशन थी गरीबी, उसके कारण उसे ये काम करना पड़ता था रैग पिकिंग का, तो वो स्टोरी इस पूरे चैप्टर में बताई गई है. आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू.